हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल इंटीरियर गुरुजी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके रूम में इस तरह का वॉल में एरिया है तो आपका किस तरह से वार्डरोब और ड्रेसिंग टेबल बना सकते हैं। जैसा कि आपका ये वार्डरोब देख पा रहे हैं, ये हमारा फ्लोर से सीलिंग तक 9 फीट है और आपका वॉल टू ये फ्रेम तक हमारा जो चौड़ाई है वार्डरोब का वो 7 फीट है, जिसमें हमारा ये 3 पल्ला जो है ये हमारा 4.5 फीट का ये 3 पल्ला में वार्डरोब किया गया है, जिसमें 2 पार्ट में बनाया गया है। दोस्तों, इसका अगर दोनों डोर खोलूं तो अंदर साइड में देख पा रहे हैं ये लैमिनेट लगाया गया है। तो आज के इस वीडियो में जो आप वार्डरोब देख पा रहे हैं इसका क्या कॉस्ट पड़ेगा ओवरऑल, और आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, बने रहे इस वीडियो में अंत तक। साथ ही अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं ऐसा ही इंटीरियर डिज़ाइन वीडियोस हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अब इसके जो कॉस्टिंग का है। जो आप ये वार्डरोब देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा अगर माल मटेरियल के साथ आप बनाते हैं तो आपको 1100 से 1200 रुपये आपका जो स्टैंडर्ड वाटरप्रूफ प्लाई है 70 से 80 तक में वो आपको पड़ेगा। और अगर ब्रांडेड में अगर आप जाते हैं जैसे सेंचुरी वगैरह 120 रुपये स्क्वायर फीट तक में, तो आपको ये 1700 रुपये या 1600 तक में आपको पड़ेगा। और इसका ओवरऑल अगर स्क्वायर फीट का बात करूँ तो दोस्तों 9 फीट बाई 7 फीट का ये वार्डरोब है, तो आपको ये होता है 63, और आप 63 का आप काउंट इंटू कर सकते हैं 1100 से, तो आपका ये करीब करीब 70,000 तक ये आपका वार्डरोब पड़ेगा। अगर आप ऐसे मटेरियल खरीद के अगर बनाते हैं किसी के लेबर कॉन्ट्रैक्टर से, तो आपका ये अगर लेबर में देखते हैं तो हमारा 280 से 300 रुपये स्क्वायर फीट में ये हमारा नॉर्मल जो कारपेंटर है वो आपका ये बना देगा। तो अगर आपका लेबर का कॉस्ट का जोड़ते हैं तो हमारा ये 20,000 तक आपका लेबर जाएगा, और माल मटेरियल से खुद से खरीदते हैं तो आपका ये 40 तक में हो जाएगा, तो उसमें आपका 10,000 तक का बचत होगा। और जो आप ये ड्रेसिंग टेबल देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा 2.5 फीट में है, और बीच में जो आपका मिरर का जगह है दोस्तों, ये हमारा देख पा रहे हैं 18 इंच बाई 4.5 फीट का ये मिरर का जगह है। और ऊपर साइड में दोस्तों यहाँ पे एक स्पॉटलाइट दिया गया है ताकि हमारा यहाँ लाइट रह सके, और अंदर में 6 इंच डीप में आपका ये सेल्फ दिया गया है, और नीचे साइड में 2 ड्रॉयर है और 1 पल्ला स्टोरेज के लिए। मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और भी कुछ जानना है वार्डरोब करें तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं ऐसा ही इंटीरियर डिज़ाइन वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।